शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत और पत्रकार विनोद वर्मा उस वक्त सुर्खियों में छा गए जब पत्रकार विनोद वर्मा ने मंत्री राजेश मूणत की अश्लील वीडियो अपने पास होने का दावा किया। खबर है कि देर रात पुलिस विनोद वर्मा को लेकर रायपुर पहुंची, उन्हें रायपुर के माना थाने में रखा गया है, तो वहीं गाजियाबाद कोर्ट ने वर्मा को 30 अक्टूबर तक के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। रायपुर पहुंचते ही वर्मा ने जो बयान दिया वो बेहद ही खास माना जा रहा है। पत्रकार विनोद वर्मा ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, यह समुद्र पर दिखने वाले बर्फीले पहाड़ की चोटी की तरह है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। उनके कहने का मतलब था कि जिस तरह समुद्र में बर्फीली पहाड़ की सिर्फ चोटी दिखती है और पूरा पहाड़ पानी में छिपा होता है, वैसे ही इस मामले से जुड़ी बहुत सी बातें अभी उजागर नहीं हुई है। आपको बता दें कि विनोद वर्मा की गिरफ्तारी रायपुर के रहने वाले प्रकाश बजाज नाम के शख्स की एफआईआर के बाद हुई है। हालांकि इस एफआईआर में विनोद वर्मा का नाम नहीं था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद विनोद वर्मा ने बताया कि उनके पास राजेश मूणत की सेक्स सीडी है और इसलिए उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।